मत सब ले जाने, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो फौरी तौर पर हल की जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ वक्त लगेगा। तो मैं दोनों ही काम करने का कसद किए यहाँ पर आया हूँ, जो चीजें शॉर्ट रन में हल हो सकती हैं उनको भी हल किया जाए, और जो लॉन्ग रन में स्ट्रक्चरल तब्दीलियां या पॉलिसी की तब्दीलियां हैं उनको भी हल किया जाए। कभी आ रही है, मैं आपके सामने कुछ दो तीन बड़ी बड़ी चीजें पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा इस स्पेसिफिक मसले पे जिसका आपने जिक्र किया है। क्योंकि अभी हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस वक्त की सोच क्या है, और उसके बाद फिर हम ज्यादा स्पेसिफिक्स में बात करेंगे। हमारे लिए इस हुकूमत का में आने के बाद सबसे बड़ा जो हमारा एक मकसद है वो ये है कि हम ब्लेंडेड कॉस्ट जो एनर्जी के है उसे नीचे लेकर आए, क्योंकि आप लोगों का एक गरीब आदमी के लिए अपना चूल्हा जलाना या आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाना उसके लिए बहुत अहम है। ये जो लेदे हो रही है, इस लेदे की बड़ी वजह यह है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमारे अपने रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा है, और क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल सोर्सेज की कीमत जो है वो हमारे इख्तियार नहीं होती, बैनुल अकवामी कीमत होती है, जब बढ़ती है तो बढ़ जाती है, जब घटती है तो घट जाती है, किसी के इख्तियार में कुछ होता नहीं। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हम अपनी ब्लेंडेड कॉस्ट जो है, यानी वो कीमत जिसपे आपको गैस मिले, जिसपे जो जिन लोगों की जरूरत है उनको गैस मिले, तो तमाम कीमत जो है वो उसी तरीके से कम की जाएगी, हमारा पहला मकसद है। हम आने वाले इसी से मुंसलिक, यानी तकरीबन यही बात अगर एक और तरीके से मैं आपके सामने पेश करूं तो मैं ये कहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी ही बढ़ने से आपकी कंपेटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप बिजली खरीदें 12, 14, 18 रुपए की, या गैस खरीदें 1200, 1400, 1600 रुपए की, और किसी और मुल्क में बिक रही हो वही गैस 600, 800 रुपए की, तो आपके लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाए। बिलखसूस ऐसी आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे गैस या बिजली 30-40% या बाद जगहों पे 50% आपकी फैक्टर इनपुट का हिस्सा है, यानी आप जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं कोई चीज बनाने में, अगर उसमें एनर्जी का कॉन्टेंट 40-50% हो तो आपके लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमारी अवलीन तरजीह ये है कि हम इस कीमत को, आपकी अफोर्डेबिलिटी को, और इन दोनों चीजों के नतीजे में जो कंपेटिटिवनेस है उसको बढ़ा दिया है। हमारे इस हुकूमत के नुक्ते नजर से एक और चीज अहम है कि हुआ ऐसा कि हमने कई मरतबा हमारे ऊपर एनर्जी क्राइसिस आया और हमने उस क्राइसिस को हल किया, लेकिन उसको हल करते हुए हमारे जो नजर के सामने एक और चीज होनी चाहिए वो सस्टेनेबिलिटी है, कि हम इसको जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि क्या इस प्रॉब्लम को हम एक सस्टेनेबल तरीके से हल कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में भी ये तमाम मुश्किलात जो है इनका हल दे पाओ, या हम इस वक्त एक मुसीबत को तो हल कर रहे हैं मगर उसके नतीजे में एक और मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और फिर उसका हल हम ढूंढते फिरेंगे। तो बेहतर ये है कि पहले ही थोड़ा सा एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड से कोई ऐसा तरीकाकार सोचा जाए जो देर पा हो, जो आने वाले वक्त में होपफुली आने वाली नस्लों के लिए भी वही अफोर्डेबल सॉल्यूशन जो है आपके सामने आता रहे। तो ये तो मैंने आपको बताए हैं बड़े बड़े मकासद जो इस वक्त जो पॉलिसी हम रिव्यू कर रहे हैं या देख रहे हैं वजीर आजम साहब की हिदायत से, उनके मकासद क्या हैं। मैंने सोचा आप लोग इस मुल्क की सनत के, इस मुल्क की प्रोडक्टिविटी के, इस मुल्क की मुस्तकबिल के वारिस हैं, इस वजह से आपसे ये शेयर करना मैंने बड़ा अहम जाना। और इनका हल, इन तमाम गोल्स को अचीव करने का जो तरीकाकार है, जो लाया अमल है, उसके लिए भी मुझे आपसे बहुत सी तजावीज चाहिए होंगी। हम ये नहीं चाहते कि किसी आईवरी टावर के अंदर हम 2-4 सियासतदान या 2-4 सिविल सर्वेंट बैठ के कोई सोल्यूशन अपने से बना लें और बाद में पता चले कि वो आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है या आने वाली नस्लों के लिए सूटेबल नहीं है। तो इस
मुशावरत के अमल को शुरू करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि आपके मशवरे से ये तमाम चीजें हमारे आगे बढ़ाया। मैं आपको जो सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जहन में दो चीजें, हमारे जहन में एक है प्रिंसिपल ऑफ राइट्स। राइट्स जब किसी मुल्क में पामाल होना शुरू हो जाए तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इस वजह से जो बुनियादी हकूक है, चाहे वो आपके हकूक हों या किसी गरीब औरत के या गरीब आदमी के हकूक हों, अगर उन हकूक को हम पामाल करेंगे तो कोई भी चीज हम नहीं कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन। तो एक नुकता जो हम अपने जहन में रखेंगे हमेशा, तजावीज पॉलिसी और तजावीज आपके सामने लाने में वो होगा हकूक का मसला। तो इस पर हम इंशाल्लाह अमलदारी करेंगे और इसको हमेशा इस पे हमारी नजरें मजबूत रहेंगी। दूसरा जो नुकता है जो जाती हैसियत में मैं समझता हूं बहुत ज्यादा मेरे लिए अहम है वो है प्रोडक्टिविटी का मसला। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। एक मैं आपको एक क्लीशेड सी एग्जाम्पल देता हूं कि कपास तो पैदा करते हैं आप, उसमें से रुई भी बनाते हैं आप, उसका धागा भी बनाते हैं आप, उस धागे से कपड़ा भी बनाते हैं आप, मगर उस कपड़े के बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये कैसे हो सकता है कि कपास भी हम बनाएं, उसकी डबलिंग क्वेश्चनिंग भी हम करें, उससे धागा भी हम बनाएं, उससे कपड़ा भी हम बनाएं और उसके बाद कोई कपड़ा हमारा खरीद के उसको काट के और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर खड़ा करते हैं जिसमें हमारा हिस्सा बहुत कम। बहुत अजीब सी बात लगती है, ऐसा तो नहीं कि हमारा हिस्सा नहीं है मगर बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारा, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि जब आप कपास से धागा बनाते हैं तो आप वैल्यू एड करते हैं मगर खतरे कम। जब आप धागे से कपड़ा बनाते हैं तो आप वैल्यू एड करते हैं मगर खतरे कम। मगर उस कपड़े से जब आप एंड प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप वैल्यू काफी ऐड करते हैं। और अगर जो आप एंड प्रोडक्ट बनाते हैं वो फैशन प्रोडक्ट हो तो फिर आप बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं और बहुत अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी वसाइल भी पैदा करते हैं, नौकरियां भी पैदा करते हैं और दौलत भी पैदा करते हैं, यानी मुल्क के खजाने में भी आप इजाफा करते हैं। तो ये सवाल खटकता है आपको भी और हमें भी पॉलिसी मेकर्स के तौर पे कि ऐसा क्यों है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, मैंने बहुत से दोस्तों से बात की, आप भी रोजी करते होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इजाफत की जरूरत है। हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरती चली जा रही है और उसमें भी हम एक तफरीक रखते हैं। वो तफरीक ये है कि ये हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, ये तो बहुत जरूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं करेंगे, इसको गैस नहीं देंगे, इसको एनर्जी नहीं देंगे, यहां पे लेबर रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो वही मसला जो लेकर रोज आए तक सामने खड़ी होती और रोज खड़ी रहेगी कि आपका रुपया तो नीचे जाए जाए और आपको तो ये बंदिशें लगानी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास तो डॉलर ही नहीं है, आपने तो डॉलर वापस करने। डॉलर कहां है भाई, डॉलर तो नहीं, डॉलर कहां से आएंगे, एक्सपोर्ट से आएंगे। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो डॉलर नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो रुपया कितना चला जाएगा। अगर रुपए को इस्तेकामत देनी है, अगर मुल्क की जीडीपी को बढ़ाना है, अगर हमने ट्रेड डेफिसिट अपना खत्म करना है तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी और एक्सपोर्ट बढ़ाने का पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं मासिवा प्रोडक्टिविटी है। क्योंकि अपने घर में तो आप कोई दीवार वगैरह खड़ी करके कोई टैरिफ वगैरह लगा के दो चार लोगों को इजाजत दे सकते हैं कोई चीज बनाने की, वो प्रोडक्टिव हो या ना हो, अगर है ही वो तो वही बिकेगी। लेकिन ग्लोबल मार्केट तो ये बोझ नहीं उठाएगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर तो आप जाएंगे, अगर आप बाकी दुनिया के तमाम ममालिक से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो आपका माल बिकेगा और अगर आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो नहीं बिकेगा क्योंकि आपके कहने पर तो वह टैरिफ लगाएंगे नहीं। तो एक तो ये नुकता हो गया कि हमें ये बात समझ आ गई, कम से कम इस वक्त की हुकूमत को ये इस बात की समझ है कि हमारा बुनियादी फर्ज ये है
कि हमने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और एक बहुत अहम जो उस प्रोडक्टिविटी का जो है वो एनर्जी है। हम आपकी एनर्जी बंद करेंगे तो अपने हाथ काटेंगे, ना आपको एनर्जी मिलेगी, आप टैप बंद कर दें दुकान बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी तो जो कपड़ा वपड़ा आप बना रहे वो भी नहीं बनेगा, कोई और आप केमिकल्स बना रहे थे वो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं एक्सपोर्ट होगा, नहीं एक्सपोर्ट होगा तो एक्सटर्नल सेक्टर उलट जाएगा, एक्सटर्नल सेक्टर उलटेगा तो रुपया जो है वो बेकदर हो जाएगा और लोगों की नौकरियां जाती रहेगी। तो ये बात हमें समझ आ, इसी वजह से मैं आज आपके पास हाजिर भी हुआ, मैं आपकी मुश्किल को समझूं और फिर उसका तेरवा हल देखिए। अब दूसरी जो ये एक फैलेसी थी, हमने बहुत से दोस्तों ने हमें कहा कि ये देखो भाई साहब इतनी बड़ी मोटी गाड़ी के ऊपर बैठ कर आते हैं, आप इन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, हम तो उस मजदूर को सपोर्ट करना चाहते हैं जो आपके यहाँ आओ। अगर आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेंगे तो उसको नौकरी कौन देगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? हम डोमेस्टिक को गैस देना चाहते हैं, अगर आप उसको नौकरी नहीं देंगे तो हम गैस दे भी देंगे तो वह चूल्हा कैसे जाएगा? सबसे अहम पहलू जो है वो ये है कि हम इस बात की कदर करें कि आप लोग, आपकी तरह साहिद शरबत लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, कि आपकी तरह के लोग कहीं भी आपसे बोल रहे हैं, ये आपका जज्बा जो है ये पाकिस्तानी होने का जज्बा है, जिसकी वजह से आपने अपनी औलाद, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान में लगा रखी। बहुत से लोग हैं जो चले गए, मगर आप वो नहीं है जो चले गए, आप वो हैं जिन्होंने इसी मुल्क के अंदर सरमायाकारी की, अपने बच्चों का सरमाया है इस मुल्क में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनके बच्चों के मुस्तकबिल और वो तमाम लोग जो आपकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए आप नहीं, उसकी जरूरत है तो क्या होगा, वो इम्पोर्ट होगा, जब इम्पोर्ट होगा तो क्या होगा, फिर डॉलर पाया जाएगा, यानी एक हाथ डॉलर लिया दूसरे हाथ डॉलर अपने हाथ से गंवा दिया, क्योंकि आपने कहा चलो एक्सपोर्ट को तो बचा लो, जो लोकल इंडस्ट्री है उसका उसकी गर्दन काट देते हैं। तो हमें इस बात का एहसास है कि जिस चीज को लोकल इंडस्ट्री कहते हैं ये ही है उस इम्पोर्ट को रोकने का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीका, और इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं। इस वजह से हमारी ख्वाहिश यह है कि हम इस तरतीब को आतरतीब करें और दोनों इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उनकी एलोकेशंस को बेहतर करें, और हुकूमत जो कुछ कर सके, चाहे वो लेबर प्रोडक्टिविटी के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिसीज के हवाले से हो। हमारी अवलीन ख्वाहिश ये नहीं है कि हम क्लस्टर सिर्फ रिबेट की बुनियाद पर बनाएं या सब्सिडीज की बुनियाद पर बनाएं, बाद मरतबा मजबूरन आपको भी और हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मगर ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि बगैर सब्सिडी के आने वाले वक्त में आप ग्लोबली कंपेटिटिव एक इंडस्ट्रियल फोर्स बन के दमदार हो और इस मुल्क का नाम भी रोशन करें और इस मुल्क के लिए दौलत भी हो। ये हमारे बुनियादी मकासद हैं जो हम लेकर चल रहे हैं। एक तरीका कार जो अभी बड़ी अवलीन सोच है, अभी अवल अवल सबकी सोच है, अभी इस पर थोड़ा सा काम करना बाकी, वो ये कि हम चाहते हैं कि बहुत सी हमारी एनर्जी कंपनीज जो हैं वो पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस कंपनी से एक ट्रांजिशन करके एनर्जी कंपनी, और बहुत सी हमारी ऐसी कंपनियां जिनको बहुत महारत हासिल है, जिसे हम ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, तेल निकालने की, गैस निकालने की, ताकि आप लोगों के मसाइल हल किए जा सके, हम ये चाहते हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाए। यानी अगर 10-12 सेंट हमारी कॉस्ट है इस वक्त बिजली की या हमारी किसी भी एनर्जी सोर्स की, और उसको हम 3-4 सेंट के साथ ब्लेंड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट करके 7-8 सेंट पे आ जाएगी, आपके भी बारे में आ जाएगी और आपकी कंपेटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी। दिन को होता है सूरज, रात को होता नहीं, आप दिन को सूरज से चलाएं और इसे विंड मिल से चलाएं, बेस लोड तो चल ही रहा है, रात को हम बेस लोड बढ़ा देंगे ताकि दिन रात चलता रहे, मगर उसकी जो इजाफी कीमत है जब वो आपस में जुड़े तो अफोर्डेबिलिटी आ जाए और ये कीमत कम हो जाए, और इसमें सस्टेनेबिलिटी भी है, इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है, इसके जरिए क्लाइमेट भी कम खराब होगा, इसके जरिए हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी कम बैठ होंगे, उसके जरिए सैलाब भी कम आएंगे, उसके जरिए हमारे जो
काश्तकारी होती है उसके वेदर पैटर्न्स भी कम तब्दील होंगे, किसान की भूखा नहीं मरेगा, समय तो जो हमारे कार्य करने वाले लोग हैं इंडस्ट्रियल हैं, जो हमारे कमर्शियल फुटप्रिंट है वो भी स्ट्रेंथन होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे मान में है एट अ वेरी हाई लेवल, जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता था, क्योंकि मैं आपके सामने मुकदमा सिर्फ ये पेश करना चाहता हूँ कि हमारे गुमान में है क्या जो हम करना चाह रहे हैं। आप हमारी अपलीन कर जिए, ये मसाइल का आपने जिक्र किया, मैं आपके साथ बैठ के इन पर बात करूंगा, मेरी भी आज एक मीटिंग है और आपके भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन मैं आपके साथ तफसीली में आता रहूंगा, आपके साथ बहस करता रहूंगा, आपसे मुशावरत करता रहूंगा और आपसे रहनुमाई चाहूंगा, और उस रहनुमाई को सामने रखते हुए फिर हम पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसके जरिए ये तमाम मसाइल हल हो। फौरी तौर पर जो आपके मसाइल हमारे सामने आए, हम बड़ी दो तीन चार दिन से कोशिश कर रहे हैं कि वो गैस जो है नहीं वो कहाँ से लाएं, कहाँ से दें, किसकी काटें गैस, जिसकी काटते हैं उसको लगता है उसका हक चला गया, आपको नहीं देते तो हमें लगता है पूरे मुल्क का हक मारा गया, तो इसको कैसे टाइट ट्रेट करें। तो हमारे हमने कुछ 30-40 इजाफी MMCFD जो बिलखसूस वो इलाके जिनका आपने जिक्र किया जहाँ पे गैस प्रेशर बहुत कम हो गए, हमने काफी ज्यादा उस पर तफसील से आज भी काफी बहस की। तो हमारे मुहार के अंदर से आज हमने समरी जो है उसको रेंज किया है जो आज कल में पास हो जाएगी, और इजाफी 22-23 MMCFD गैस जो है वो आपके इलाके के लिए मुख्तस की है आज उनके साथ मुशावरत के बाद, कि वो उन्हीं इलाकों में जहाँ पे गैस का लोड इस वक्त कम आ रहा है उसको अंदर डाली जाए, ताकि वो जो फार एंड आपके इंडस्ट्रियल एरिया का है जहाँ पे गैस के प्रेशर बहुत कम हो जाते हैं उनके उधर बढ़ाए। दूसरा दूसरा वेल जो है साफ इजाफी एक सावन के अंदर वेल जो है उसमें से 10 या 12 MMCFD गैस जो है वो इजाफी आई है, वो भी आज हमने ये फैसला किया क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेटिक आपको मालूम है जब कि गैस आता है उसमें बड़ा वक्त लगता है कि वो गैस आए उसकी टेस्टिंग हो उसके लिए पहले इजाजत वफा की हुकूमत से ली जाए, तो उसकी भी हंगामी बुनियादों को पर इन दोनों वेल्स की जिनकी दोनों की मिला के बदले 35 MMCFD इजाफी गैस हो जाएगी, वो गैस फौरी तौर पे मैं खुद ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं जाके काबीना से ECC से और काबीना से इसी हफ्ते में ये अप्रूव करवा के कोशिश करूंगा कि हफ्ते में इजाफी गैस जो है ये आपके वेल्स के अंदर आ जाए। कुछ और 10 MMCFD के करीब आपने यहाँ वहां से ढूंढ ढंड के कुछ मॉलिक्यूल्स काट काट के आज ये फैसला किया है कि आपके यहाँ इजाफी 8-10 MMCFD गैस जो है वो डाल दी जाइए। ऐसा हल तो नहीं है जो आपकी तमाम जरूरियात को फौरी तौर पर आपके लिए रिलीज पैदा करेगा, लेकिन जो हमारी अपनी कैलकुलेशन थी उसमें बेयर मिनिमम गैस आप तक पहुंचाने के लिए उन जगहों पे जहाँ पे प्रेशर बहुत कम है हमें कम से कम 30 MMCFD गैस चाहिए, उस 30 MMCFD के लिए कम से कम हमें 40-50 MMCFD इजाफी गैस डालनी पड़ेगी ताकि वो वहां तक पहुंच सके, बैक उसका जो है वो ड्रॉप ना हो। तो हम भरपूर अंदाज में इस पे काम कर रहे हैं, आज भी हम मिले हैं, कल भी हम गुफ्तगू करेंगे, कल मैं इजाफी कंपनियों के पास भी जा रहा हूँ जिनके जिनकी जिम्मेदारी है वेल्स, और मैं उनसे अब ये पूछ रहा हूँ कि आप बताइए वो क्या तरीका कार है बगैर वेल फॉर्मेशन को डैमेज किए कि हम कुछ गैस इजाफी जो है उसको एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि नेचुरल डिप्लीशन की वजह से काफी हमारे SSGC के अंदर जो गैसेस हैं उनमें कितना फर्क आया था 60 MMCFD का ड्रॉप 60-70 जो अभी बोले 60 MMCFD ड्रॉप नेचुरल ये नेचुरल डिप्लीशन के जरिए हमारा ड्रॉप आया। तो पहले मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको एक हाई लेवल के भाई आप हमारी 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 कहानी सुने अफसाना सुने, लेकिन आपके मसाइल का कोई हमारे पास हल नहीं, ऐसा नहीं है जो फौरी तौर पे ये 2-4 दिन जब से आपसे जी मैं ये हर चीज जो आपने कही है मैंने लिखी है, आप यकीन मानिए मैं इन पर बाकायदा जाती हूँ, मैं आपको कोई मीजर नहीं देना चाहता जवाब, लेकिन जैसा आपने पहले मुझे कहा मैंने उस पर काम किया और आपके पास हाजिर हुआ तो कुछ एक छोटा मोटा सेंशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसी तरह की आपने जितनी चीजें आज लिखी हैं इनको आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक और हकूक के मुताबिक जैसा
इंशाल्लाह अगर मुझे थोड़ा सा मौका देंगे मैं थोड़ा सा काम कर लूँ तो वहाँ अपने जो हमारी सेक्रेटरीज हैं हमारी सीसीआई है तमाम समूहों की मुशावरत के साथ हम वो करें। हमारे जहन में बहुत से और खाते हैं, मसलन हम ये चाहते हैं कि ये एलएनजी का आज हम यही बात करते हैं कि एलएनजी के टर्मिनल लगाएंगे लाने दें प्राइवेट सेक्टर को, आपके बारे में आपकी आप लेकर आएंगे सर, आप हमसे टोल करवाएंगे सर चलाए अपने कार का, क्या मसला है हमें क्या मसला है इसमें। तो ये तमाम चीजें आज हमने डिस्कस की है, मगर ऑब्वियसली एक पुरानी कंपनी जिसके अपने तरीकाकार हैं उसमें तब्दीलियां लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त मैं आपको यकीन से कहता हूँ हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत सी तजावीज ऑलरेडी हमारे सामने पड़ी है मगर थोड़ा वक्त लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हर मसला जब मैं आपके पास आऊंगा तो कोई ना कोई हल इंशाल्लाह एक बात जरूरी लेकर आऊंगा और हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह जो मंजिल मैंने आपके सामने आज खाका हिस्सा पेश किया है इसकी तरफ पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया।